इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, देखो एक भवन है तो ये हम भवन मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, यानी एक कोई पोल टाइप का लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती है उनके छतों पर अक्सर जो टेलीफोन वगैरह के पोल लगाए जाते हैं, इस तरह से है। अच्छा, अब जो भवन है उसकी हाइट दी है 20 मीटर। ये है ज़मीन पर कोई बिंदु। इस बिंदु से जो ये मीनार है, ध्यान रखना ये मीनार है, ठीक है ना। तो ये है मीनार जिसकी हमें हाइट ज्ञात करनी है, तो इसकी हाइट हमें पता करनी है। ये जो मीनार है इसके अगर हम तल की बात करें तो ये कोण बनता है 45 डिग्री, और इस मीनार के शीट्स की बात करें तो ये कोण बनता है 60 डिग्री। समझ गए ना आप, शिखर पे 60 डिग्री बन रहा है ये, इनको हम नाम दे देते हैं। तो जो ए बी है ये मीनार है, बी सी भवन है, और ये डी पॉइंट ज़मीन पर है। गिवन हमारे पास ये 20 मीटर है, ठीक है, और हमें ए बी ज्ञात करना है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये भी नहीं है, ठीक है, डी सी भी नहीं है, तो हम इसको डी मान लेते हैं। यह अलग बात है, यह अलग बात है कि आप डी की जगह पे डी सी भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मैंने एच लिखा है इसकी जगह पे आप ए बी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे ए बी लिखो या एच लिखो, बात एक ही है। डी सी लिखो या डी लिखो, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर हमें लिखना चाहिए कि माना मीनार की ऊंचाई, क्या है, एच है, ठीक है। और जो भवन है, भवन के तल से इस बिंदु की जो दूरी है वो डी है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी तक मैंने केवल आपको फिगर समझाया है, ओके। अब हम यहाँ पर दो बार हम ट्रायंगल्स लेंगे, क्योंकि जब भी आपके पास इस तरह के फिगर होते हैं तो हम दो बार हम साइन, कॉस या टेन हम अप्लाई करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन से हम ट्रायंगल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और उसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला, ठीक है ना। चलिए, तो ट्रायंगल डी सी बी में, अब डी सी बी देखो, यानी ये वाला ट्रायंगल देखो, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो और अब आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर लंब दिया है और आधार यहाँ पर हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लगाएंगे, यानी साइन कॉस टेन, इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन है और भी, लेकिन साइन कॉस और टेन ही हम यूज़ करते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देखो कि ऐसा कौन सा ये अनुपात है जिसमें लंब होता है और आधार होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो टेन है, टेन में लंब भी होता है आधार भी होता है, तो बिल्कुल सही, हम यूज़ करेंगे टेन। तो टेन डी क्या होगा यहाँ पर, तो देखो परपेंडिकुलर लंब बटे आधार यानी डी सी, वैल्यू पुट करेंगे टेन 45, और ये 20 मीटर है, और ये है, इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। टेन 45 वन, लेकिन ध्यान रखना डी की जगह पे आप डी सी भी लिख सकते थे इसकी जगह पे, ओके। अब 10 45 वन होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी हमारा 20 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल 20 मीटर, ओके। अच्छा, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं ये, ओके। तो अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, यानी ट्रायंगल डी सी ए में। तो देखो डी सी ए कहाँ पे है, डी सी ए देख सकते हैं ना आप, ये वाला ट्रायंगल है। अच्छा, फिर से इसमें टेन लगेगा क्योंकि हमारे पास लंब और आधार है,
तो 1060 बराबर इस बार ही क्या होगा, यहाँ पर फ़िलहाल हम इसके हिसाब से 10D करते हैं, ठीक है। तो 10D क्या होगा, यहाँ पे लंब जो कि AC है और आधार जो कि DC है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बात हो रही इस पूरे ट्रायंगल की। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लंब है वो पूरा AC है और जो आधार है ये पूरा DC है, समझ गए ना आप। अच्छा, 10D यानी 1060 डिग्री। AC जो है, ध्यान रखो AC में क्या क्या है, AC में H है और AC में 20B है, और जो DC है DC में तो D है। अब सब की वैल्यू पुट करेंगे, 1060 होता है √3, H हमको निकालना है, ये 20 आ गया यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और D हमने निकाला यहाँ पे 20, याद है ना ये वाला, तो 20 हम निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर H+20, और यहाँ पे H आ जाएगा 20√3 -20। आप 20 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 -1, और ये हमारा आंसर आ गया है, ओके। और ध्यान रखना, यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर क्या हम √3 की वैल्यू रखें या ना रखें। देखो, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि √3 = 1.732, फिर तो लगाना ही लगाना पड़ता, फिर तो पक्का लगाना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दिया है तो ये आपके ऊपर है, और अच्छा होगा कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो ये हमारा आंसर है, आई होप आपको समझ आया होगा। और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।